हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनवर्स क्रिप्टो। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं SPX के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। स्पेशल सेशन होने वाला है, बहुत ही रिच होगा, नॉलेजफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा कंटेक्स्ट में होगा TA के, और TA को देखेंगे हम लोग। और बाकी आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए कि स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ यह है कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो आज के सेशन के आपको जितने भी चार्ट्स हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री में। मैं आपको बाइंग जोन वहाँ पर लिख कर दूंगा और ये मेरा वादा है कि आपको यहाँ पर अगर आप इसके लाइक्स भी पूरे कर देते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 100 लाइक्स पूरे करने की कोशिश करनी है, वैसे मैं देखते हैं, लेट्स सी हम कर पाते हैं कि नहीं। तो चलते बिटकॉइन के सेशन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को। 4 आवर चार्ट में हमें बिटकॉइन दिखता है रेंज बाउंड, यानी कि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ। और ये रेंज क्या है, येलो वाली लाइन से नीचे की ओर रिजेक्शन पाना बार बार, और इतनी बार रिजेक्शन पाया कि अब तो इसकी बेइज्जती भी हो गई लेकिन मान नहीं रहा है। देखिए यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन पाया। मैं वॉल्यूम बंद करना चाहूँगा पर मैं एक पल के लिए आपको ये दिखाना चाहूँगा, 19,300 का एक लेवल मैंने मार्क किया हुआ था। और ये कल परसों के चार्ट्स में जिनको मैंने शेयर किया है उनको पता भी होगा ये मार्क्ड है। पहला तो ये लोकल रेजिस्टेंस है, ठीक, तो वहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी स्काल्पिंग में बनती है। लेकिन आपको मेजर जो रेजिस्टेंस है वो आपको ये एरिया देखना चाहिए जो कि 19,500 से लेकर 19,700-19,800 के अराउंड है हमारा बैठा हुआ। तो ये एरिया रेजिस्टेंस के लिए है। बाय द वे मैं आपको एक और खास बात बता दूं, कल के सेशन में मैंने कुछ बोला था और आपको याद होगा, अगर याद है तो भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि वीकली देख के मुझे वीकली पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है वो वीकली में बेरिश लग रहा है, बट वीकली में जब मैं आज कर देता हूँ तो इसीलिए देखिए वीडियो रोज़ देखना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जो सेटलमेंट है वीकली की क्लोजिंग का वो कितना ख़राब जा रहा है, मतलब वीकली की क्लोजिंग अभी हुई नहीं है पर इस वीक में जो हमारा स्पाइक्स आई हैं, जो हमारी यहाँ पर आप देखोगे विक्स गई हैं पिछले 3-4 हफ्तों में, वो हमें बहुत कुछ बताती है। बताती ये है पहली चीज़ कि ये रेंज हमारा बॉटम पॉसिबल हो सकता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमें एक विक ज़रूर मिल सकती है नीचे तक, यानी ऐसी विक जिसमें ऑल्ट कॉइन्स जो है वो रेक्ट होंगे। अब मैंने ऑल्ट कॉइन के रेक्ट होने को क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि यार डोमिनेंस जो है वो स्पाइक मारी नहीं है बहुत दिन से और नीचे की ओर आ रही है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स ने थोड़ा बहुत देखो यहाँ पर ग्रीनरी दिखाई रिसेंट में, ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत पंप किया था, अब वो सब नीचे की ओर जा रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि जो अभी पिछला जो इन्होंने बॉटम बनाया ऑल्ट कॉइन्स ने, उसके एक ज़रा सा नीचे हम लोग एक और लेग देखेंगे और वही सेम मैं बिटकॉइन में कह रहा हूँ। तो मेरा जो पर्सनल बायस है वो बेरिश है अनटिल एंड अनलेस येलो वाले को हम तोड़ देते हैं। येलो वाले को वीकली में भी हमने नहीं तोड़ा क्लोजिंग में, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट ही ये जोन है, ठीक। येलो वाला जोन आपको पता है 19,500 से लेकर 19,700 के बीच का है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको पता नहीं इस चैनल पर क्या होता है, तो आपको पता है कि आपका भाई डेली यहाँ पर एक साल से डेढ़ साल से यहाँ पर वीडियोज़ डालता रहता है और डेली आपके साथ यहाँ पर बना हुआ हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, और आपका भाई आपके सपोर्ट में है, हर टाइम सपोर्ट में है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हो, मुझसे कहीं भी जुड़ सकते हो जहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन की तो बात कर ही चुके हैं, हम बात करेंगे डॉट की, वो कॉइन्स जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ला के देंगे अगर हम इनको होल्ड करते हैं। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ मैं, डॉट का जो सेटअप है वो बहुत सही जगह है। सही जगह क्यों है, मैं इसको बोलूँगा 6 से लेके 4 के बीच में मैक्सिमम जो है हमारा जो बाउंड है ये अपडेटेड है, पहले नहीं था, अपडेटेड है। पहले मैं सिर्फ ये 6 तक बोल रहा था डॉट आएगा, और ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में कि जब ऑल्टकॉइन नीचे आएंगे तो डॉट का जो 6 वाला लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 से हम यहाँ 6 जब पिछली बार आए थे तब 9 या 10 तक हम लोग गए थे, विच इज वॉज ऑल्सो प्रिडिक्टेड, मतलब हमारे चैनल पर ये बताया गया था 6 का रेंज, जबकि डॉट जब नीचे आएगा तो 6 तक एटमैक्स आ सकता है। लेकिन अब जो एटमैक्स वाले रेंज है वो थोड़ी सी चेंज होगी, वो 4 से 6 के बीच में होगी। डॉट को उठाने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखोगे ये 20 सितंबर 2020 के अराउंड यहाँ पर बहुत सारा इसने प्राइस एक्शन दिखाया था, और ये जो करेक्शन था ये भी काफ़ी बड़ा था। अगर आप देखो 6 से लेकर हम लोग डायरेक्ट 3-3.5 पे आ गए थे, और इसी तरह का कुछ सारे करेक्शन तो नहीं कहेंगे लेकिन इससे भयंकर करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो मेरा मानना ये है कि डॉट यहाँ रेंज में फंसा रहे, या फिर अगर आपको 6 मतलब परफेक्ट आपको ये बाइंग मिल रही है, अगर मैं आपको खुला खुला बोलूँ तो आपको परफेक्ट बाइंग मिल रही है 6 से 4 के बीच में डॉट को एक्यूमुलेट करने का। अगर आपने डॉट पिछली बार एक्यूमुलेट किया था तो आपको पता होगा 9 तक की आपको एग्जिट मिला था, लेकिन अगर आप बुल मार्केट के वो जो वेल जिनको हम कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो आपको वेल बनना है आगे चल के, तो आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस अगर आपके पास है तो
तो आप इस डॉट को रख सकते हो और इसकी जो टारगेट है मुझे लगता है 100 पार होगा नेक्स्ट जो हमारा जो बुल रन आने वाली है। और नेक्स्ट कॉइन कौन सा है, ये हमारे चैनल का वन ऑफ द अर्लीस्ट प्यारा कॉइन्स जिसको हम बहुत ईजिली बहुत ही आसानी से जिसमें हमने 10x किया था अपना मनी, याद हो जिन लोगों को जो अर्ली मेम्बर्स हैं। यहाँ पर मैंने 2 लेवल मार्क किए हैं एवैक्स में। तो एवैक्स कॉइन जो है एवलांच, इस क्रिप्टो के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये पूरी तरह से वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जा रहा है। टीम बहुत बड़ी है, टीम बहुत धांसू है एवैक्स की। अच्छा, मैंने आपको बहुत हफ्तों पहले एक ट्रेंड लाइन बताई थी जो ऊपर की ओर थी, वो टूट गई जिसकी वजह से हम बेरिश बायस में आ गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑरेंज डब्बा है, ये जो ऑरेंज डब्बा है जो कि 20 से लेकर अराउंड 14 के बीच में बना हुआ है, उसकी नीचे वाला हिस्सा जो यानी कि 14 वाला टच हो रहा है। ये टच होने का मतलब है कि ये एक अच्छा मोटा मोटा हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब है यहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, और ये वीकली में भी हो सकता है, डेली में भी हो सकता है, बट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन था। इस एरिया के अराउंड यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर आप देखो कि वीकली में कुछ ना कुछ हुआ था, यहाँ पर इसने लिया था सपोर्ट 14-13 के अराउंड, 14 ही जाकर लिया था। तो अब 2 रेंजेस मैंने और ऐड की हैं, वो कौन सी हैं? मैक्सिमम वीक्स के लिए आप वीक्स के लिए कौन सा देख सकते हो? 13 का एक लेवल देख सकते हो, 10 का लेवल देख सकते हो। अब ये 2 लेवल मैंने आपको बता दो दिए हैं, बट ज़रूरी नहीं प्राइस यहाँ तक आ रहा है, लेकिन मैंने आपको एट मैक्स बता दिया कि बेरिश सिनेरियो में हमारा ये 2 रेंज इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आप ऑर्डर अपने भारी भरकम लगा सकते हो। वैसे तो मैं 14 का भी बोलूँगा क्योंकि अच्छा है, आपको समझा भी दिया है क्यों अच्छा है। यहाँ पर देखो, पहले तो यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था, दूसरा यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो ये लेवल तो मोटा बन गया अच्छा खासा, तो एक बाउंस तो बनता है मेरे ख्याल से पर्सनली। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम है जहाँ पर मैं आपको जो है चार्ट वगैरह देता हूँ और भी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। तो टेलीग्राम पर देखिए, हिंदी में मैंने बताया था, और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था दिस वीडियो विल हैव सेव्ड मनी पीपल्स मनी टुडे, और मैंने एक वीडियो बना के दी थी, उस वीडियो में CPI से पहले मैंने डंप के बारे में बताया था, डंप हुआ फिर उसके बाद प्राइस जो मार्केट है वो बूम कर गई। आपको चाहिए कि आपको अगर जो भी चार्ट्स मैंने इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन, एवैक्स या डॉट, उनके चार्ट्स आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आपको बस जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करने की कोशिश करनी है, 100 लाइक्स पूरे होते मैं आपको वहां पर टेलीग्राम पे चार्ट्स दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारी बिटकॉइन की अपडेट तो मैंने आपको दे दी है। एवैक्स को आपको लेना है, एवैक्स का मैं आपको टारगेट बताना भूल गया, टारगेट आप एवैक्स का रख सकते हो। पहले तो ये रेड रेंज रखो 38-44 वाला, ठीक, 38-44 में भी आपका अच्छा खासा मनी बन सकता है और 3x तो होगा एटलीस्ट। लेकिन मेरा एवैक्स को लेकर 200 का टारगेट है इन द लॉन्ग रन, और वो पूरा होता है नहीं वो तो हम देखेंगे। पहले हम S&P की बात कर लेते हैं। S&P क्या कर रहा है, यहाँ से बाउंस मारा और ग्रीनरी दिखा रहा है। ये ग्रीनरी जो है ना, ये संकेत है कि एक तो बॉटम ये हो सकता है। आपने अगर मेरी एक महीने पहले वीडियो देखी है, अगर आप में से किसी ने भी देखी है, तो S&P को लेकर और बिटकॉइन को लेकर कोरिलेशन को लेकर मैंने आपको समझाया था, यानी S&P के कैसे इन दोनों सपोर्टों में से किसी एक सपोर्ट को लेने से हमारे बिटकॉइन का बॉटम तय हो सकता है। और आपको याद होगा उसमें एग्जैक्ट मैंने बोला है या तो ये नीचे वाला, अगर रिसेशन आता है तो ये नीचे वाला या फिर ये वाला। तो यहाँ से जो बाउंस देखने को मिल रहा है, अगर यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई S&P, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो अपना बॉटम बना चुका होगा और यहाँ से सारी मार्केट्स ऊपर की ओर जाने लगेंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करो, और मार्केट ऑलरेडी बेयर मार्केट के बॉटम के आसपास ही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना जो 100% आपका एलोकेशन है उसका 75% आपका इन्वेस्टेड होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और 25% के लिए आपको और नीचे के लिए सेव करके रखना चाहिए। ये परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी अगर आपने एंट्रीज नहीं ली अच्छे क्रिप्टोज में, तो आप ले सकते हो अभी के अभी। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।